Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's CIK lecture number 25, Models of the Systems. I'm Dr. Sajad Mohsin. Today we'll learn about formal models, definition, notations and classes, issues of notations, naives, psychology. Models of systems ki introduction mein aaj hum dekhenge standard formalisms kya hain, interaction models kya hain, status event analysis kya hote hain, standard formalism wo software engineering notation used to specify the required behavior of specific interactive system. So kisi bhi software engineering ki wo notations jo specify karti hain, jo describe karti hain required behavior of kisi bhi khas interactive system ka jo required behavior hota hai usko specify karne ke liye hum standard formalisms use karte hain. Interaction models mein hum special purpose mathematical models hote hain of interactive system used to describe usability properties at a generic level. So ek generic level pe jo mathematical properties hoti hain unko describe karne ke liye hum interaction models use karte hain. Isi tarah status event analysis mein hai jo hai ye ek example hoti hai engineering level method drawing on both formal modeling and naive psychology pe jo hum engineering level ke method karte hain drawing ke unko hum status event analysis kehte hain. Types of system modeling mein jo hai wo dialogue aur full state definition hoti hai, ye specific system mein hote hain, isme main mode जैसे एग्जांपल है. फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटरेक्शन मॉडल होता है, ये जो है जेनरिक इश्यूज में आ जाता है. रिलेशनशिप विद डायलॉग जो है, डायलॉग मॉडलिंग इज लिंक्ड टू सिमेंटिक. तो जो सिमेंटिक होती है जिसमें मीनिंग होता है तो उसके ऊपर डायलॉग मॉडलिंग जो है वो लिंक होती है. सिस्टम सिमेंटिक अफेक्ट्स द डायलॉग स्ट्रक्चर. अब सिस्टम की जो अपनी जिस सिस्टम में ये हमने डायलॉग यूज करना है उसकी जो मीनिंग है वो डायलॉग के स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी. और बेसिस जो हैं वो जाहिर बात है डिफरेंट हो जाते हैं नॉर्मल डायलॉग मॉडलिंग के और सिस्टम डायलॉग मॉडलिंग के. Rather than dictate what actions are legal, these formalisms tells what each action does to the system. So, ये बताने के बजाय कि कौन से actions legal हैं, कौन से illegal हैं, आपने कौन सा button गलत दबा दिया है, ये formalism जो हैं, ये बताते हैं कि इस action से system पे क्या effect पड़ेगा. तो ये जो हम dialogue system semantic के लिए use करते हैं, सिस्टम के लिहाज से यूज करते हैं, उसमें सिस्टम से हमें ये बताना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि इस एक्शन का ये के कॉज करने से इवेंट कौन कौन से अकर करेंगे. आयरनी क्या है, कंप्यूटर्स आर इनहेरिटली मैथमेटिकल मशीन्स. कंप्यूटर शुरू से जब से बने हैं ये मैथमेटिकल मशीन के तौर पर, मैथमेटिकल सोल्यूशन के तौर पर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर बने हैं. जबकि ह्यूमंस आर नॉट, ह्यूमंस इस तरह से नहीं बने, ह्यूमंस ऑब्वियसली डिफरेंट स्टाइल में बने हैं. फॉर्मल टेक्निक्स आर वेल एक्सेप्टेड फॉर कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ द यूजर एंड द डायलॉग. जो फॉर्मल टेक्निक्स हैं वो इस चीज के लिए तो एक्सेप्टेबल हो गई हैं कि जो कॉग्निटिव मॉडल है यूजर और सिस्टम के दरमियान जो डायलॉग है उसके लिए कि यूजर को क्या करना चाहिए उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक हैं. बट फॉर्मल टेक्निक्स आर नॉट येट वेल एक्सेप्टेड फॉर डिक्टेटिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू फॉर द यूजर. लेकिन ये सिस्टम को इस बताने के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई कि यूजर के लिए सिस्टम को क्या करना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मल टेक्निक्स अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं. सो स्टैंडर्ड फॉर्मलिज्म में हम आते हैं जनरल कंप्यूटिंग नोटेशंस टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर सिस्टम. जाहिर बात है कि ये जनरलाइज कंप्यूटिंग नोटेशंस हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करके बताती हैं. जनरल कंप्यूटेशन फॉर्मलिज्म्स में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर्मलिज्म कैन बी यूज टू स्पेसिफाई एन इंटरेक्टिव सिस्टम. सो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर्मलिज्म को हम यूज कर सकते हैं किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम को, और इसको हम रेफर करते हैं एज फॉर्मल मेथड. और ये मॉडल बेस्ड होता है डिस्क्राइब सिस्टम स्टेट्स एंड ऑपरेशंस. ये सिस्टम की स्टेट्स और उसकी ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है. और ये जेड नोटेशन और वीडीएम पे इसकी एक एग्जांपल है.
फॉर्मल मेथड्स की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे वीडीएम हमने भी बात की, वियाना डेवलप्ड मेथड, फिर जेड नोटेशन, ये जी नोटेशंस नहीं है, फिर बी मॉडल होता है, एएसएम एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन्स होती हैं, पैटरी नर्ड्स होते हैं, ये कलर्ड पैटरी नर्ड्स होते हैं ड्यू टू कर्ट जेंसन ने इसको किया था, फिर अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है सीएसएल के नाम से, फिर टीएलए है, टेम्पोरल लॉजिक ऑफ एक्शंस है, फिर एलॉय है, फिर रिक्वायरमेंट स्टेट मशीन लैंग्वेज या आरएसएमएल है. सो देर आर मोर देन और अराउंड 100 डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स अवेलेबल इन द मार्केट, अवेलेबल इन द सिस्टम. सो जो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मॉडलिंग करने के लिए. सो जनरल कंप्यूटेशनल फॉर्मुलिज्म में जो है वो अल्जेब्रिक आ जाता है, जिसमें अल्जेब्रा को यूज करते हैं. ये डिस्क्राइब्ड इफेक्ट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन है. एग्जांपल इसकी ओबीजे है, लार्ज है, एक्ट वन है. सो लार्ज जो है ये स्पेसिफाई करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और ये एक तरह से बहुत ही अच्छा जो क्लीन प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है. एक्सटेंडेड लॉजिक भी यूज हो सकती है. डिस्क्राइब व्हेन थिंग्स हैपन एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल. इसको इसकी एग्जांपल है टेम्पोरल एंड डियोंटिक लॉजिक्स. ये उसकी सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं जो एक्सटेंडेड लॉजिक में आ जाती हैं. क्लासेस ऑफ फॉर्मल मेथड्स में मॉडल बेस्ड अप्रोचेस में वीडीएम, जेड और बी मॉडल्स आ जाते हैं. एल्जेब्रिक अप्रोचेस में कैसल, एक्ट वन, लार्ज, ओबीजे है. ट्रांजिशन बेस्ड अप्रोचेस में स्टेट चार्ट्स हैं और प्रोमेला है. प्रोसेस अल्जेब्राज में सीएसपी और सीसीएस है. लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस में आरटीएल और टीएलए हैं. रिएक्टिव अप्रोचेस में पैट्रीनेट्स हैं, एसडीएल हैं, एसएआओ हैं. क्लासेस ऑफ फॉर्मल मेथड्स में मॉडल बेस्ड अप्रोच में वीडीएम, जेड नोटेशंस और बी मॉडल हैं. एल्जेब्रिक अप्रोचेस में सीएएसएल है, एक्ट वन है, लार्ज है और ओबीजे है. ट्रांजिशन बेस्ड अप्रोचेस में स्टेट चार्ट्स हैं और प्रोमेला है. प्रोसेस अल्जेब्राज में सीएसपी, सीसीएस है. लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस में आरटीएल और टीएलए है. रिएक्टिव अप्रोचेस में पैट्रीनेट्स, एसडीएल और एसएओ है. कॉम्बिनेशन लाइक रेज, वीडीएम प्लस सीएसपी एंड लोटस या एक्ट वन प्लस सीसीएस जो हैं, ये कॉम्बिनेशनल या हाइब्रिड मेथड्स हम इनको कहते हैं, यूज होते हैं. आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं फॉर्मल मेथड्स के, उनको उनमें जो है वीडीएम को रखा है, जेड नोटेशंस को रखा है, लोटस को रखा है, और जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है आईटीयू, ये भी स्टैंडर्ड बनाती है, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए बनाती है. इसने एसडीएल रखा है यूजली फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड मॉडल्स के लिए. सो व्हाई डू वी यूज फॉर्मल मेथड्स? फॉर्मल मेथड्स रेफर टू द यूज ऑफ टेक्निक्स फ्रॉम लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन द स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर. सो ये एक्चुअली टेक्निक्स है जो लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ली गई है, और ये जो है किसी भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट में को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. और इसमें जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसको जितना हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाएंगे, यानी उसको हम बजाय इन डेप्थ जाने के, क्योंकि जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो जितना हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रखेंगे हम उसको बेहतर रखेंगे. इसीलिए हम कहते हैं मास्टरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन. रिड्यूस आर्ग्यूमेंटेशन टू अ कैलकुलेशन विच कैन बी चेक बाय मैकेनिकल मीन्स. सो आप आर्ग्यूमेंट्स जो देते हैं कि भाई ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, उसको अगर हम रिड्यूस करके कैलकुलेशन पे रख दें, उसको जो है हम जाहिर बात है कि जब वो कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसको किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि जो बात कर रहे हैं ठीक है या नहीं है.
रिप्लेस रिव्यूज विद अ रिपीटेबल एनालिसिस. तो जो रिव्यूज आप बनाते हैं उनको अगर हम रिपीटेबल एनालिसिस के हम बार बार उनको एनालिसिस करके ये बताएं कि ये यस ये इसी तरीके से हो रहा है, जब भी ये एक्शन करते हैं ये बटन दबाते हैं तो यही कुछ होता है. सो इस तरीके से हम रिव्यूज देने के बजाय उसको बार बार एनालिसिस करके चेंज कर सकते हैं. सो फॉर्मल मेथड्स कैन बी यूज एट डिफरेंट लेवल ऑफ रिगर. तो जहां हमने रिगरसली बहुत ही मेहनत जाफुशानी से काम करना होता है, वो उस जगह पे भी हम उन लेवल्स पे भी फॉर्मल मेथड्स को यूज करके बता सकते हैं. वंस अगेन जैसे रिपीटेबल एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि ये काम इसी तरह से हो रहा है, जब भी कर रहे हैं इसी तरीके से हो रहा है. सो वो हर लेवल पे जो है उसको हम यूज कर सकते हैं. अब हम फॉर्मल मेथड्स क्यों कंसीडर करें? द डेवलपमेंट ऑफ अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन. तो जब भी हम किसी भी फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन लिखने शुरू करते हैं तो हमें इनसाइट उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो उनकी समझ में आ रही होती है. और ना सिर्फ समझ में आ रही होती है, हमें ये भी मौका मिल रहा होता है कि अच्छा ये इस तरीके से ये इसलिए परफॉर्म हो रहा है. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर डिजाइन में जब हम फॉर्मल मेथड्स करते हैं तो हमें उसके अंदर के होने वाले प्रोसेसेस एक तो पता चलते हैं कि वो क्या हैं और फिर उनकी समझ में आती है कि वो हो किस तरीके से रहे. सो इसलिए फॉर्मल मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं. अब ये क्लैरिफाई करते हैं कस्टमर्स रिक्वायरमेंट को कि कस्टमर्स को क्या चाहिए है. रिवील एंड रिमूव एम्बिग्यूटी. ये सबसे पहले तो एम्बिग्यूटी दिखाते हैं कि यार ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको ठीक करो. तो पहले तो वो रिवील हो जाती है, फिर उसको रिमूव किया जाता है. इसी तरह ये इनकंसिस्टेंसी भी रिवील करते हैं और उसको रिमूव करते हैं. और इसी तरह इनकम्प्लीटनेस को भी रिवील और रिमूव करते हैं. फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट और डिजाइन. तो ये जो रिक्वायरमेंट की कम्युनिकेशन है उसको भी फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है. इसी तरह डिज़ाइन कैसे बनाना है उसमें जो यूज़र और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो हमने पीछे डिस्क्राइब किए हुए चैप्टर्स में वहाँ उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको भी फैसिलिटेट करते हैं ये फॉर्मल मैथड्स. provides a basis for an elegant software design. इसी तरह ये provide करते हैं basis for elegant software design के लिए. और ये traceability भी छोड़ते हैं, हमें trace देते रहते हैं कि इस level पे ये हो गया था, इस level पे ये हो गया था. system level requirement should be traceable to subsystems or components. हर system level की जो requirement है उनको subsystem level पे भी या even उसके एक single component level पे भी traceability दे देते हैं ताकि हमें back trace करना या forward trace करना हमारे लिए आसान हो जाए. मॉडल बेस्ड ऑफ फॉर्मलिज्म जो है मैथमेटिकल काउंटर पार्ट्स टू कॉमन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स. अब हम प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स के दरमियान जो आपस में कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कॉमनैलिटी आ सकती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अब प्रोग्रामिंग में क्या है, टाइप्स हैं, मैथमेटिक्स में उसकी जगह सेट हैं. प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं कि बेसिक टाइप्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में उसी तरह से बेसिक सेट्स हैं. फिर प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टेड टाइप्स हैं, उसको हम मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्टेड सेट्स के बराबर ले जाते हैं. सो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल, यानी एक तरह से हम टाइप्स को जो प्रोग्रामिंग में मौजूद होती हैं उसको हम सेट से रिप्लेस कर सकते हैं. इसी तरह जो प्रोग्रामिंग में रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम मैथमेटिक्स में अनऑर्डर टपल्स कहते हैं, और जो लिस्ट होती है उसको सीक्वेंस कहते हैं. फंक्शंस फंक्शंस ही रहते हैं और प्रोसीजर्स जो हैं मैथमेटिक्स में रिलेशंस बन जाते हैं. सो ये कॉमनलिटी है उनके दरमियान, इसी वजह से हम यूज कर रहे हैं. अब मॉडल बेस्ड मेथड में हम एक ग्राफिक ड्राइंग पैकेज को अगर ले लेते हैं तो ड्राइंग पैकेज में हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले जैसे अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो हम एक उसका सेंटर पॉइंट लेंगे. अब वो जो सेंटर पॉइंट होगा उसके कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जहां पे जिसको हमने एन कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है. डिपेंड करता है, अगर ये फर्ज करें कि ये सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस के इस जगह पर लाई कर रहा है पॉजिटिव साइड पे तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे. अगर ये
एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, वरना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस तरह से इस वैल्यू में आ सकता है, इसलिए इसको हमने नेचुरल नंबर के साथ कर दिया। फिर हम शेप्स कैन बी वेरिंग टाइप्स, अब शेप्स जो हैं वो वेरिंग टाइप्स के हो सकते हैं, वो लाइन भी हो सकती है, एलिप्स भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अगर रेक्टेंगल होगा, सॉरी सर्कल होगा, तो अब हमें इस लाइन से लेके इसके सर्कमफ्रेंस को जो रबर बैंड का स्टाइल है उसमें स्ट्रेच करेंगे तो वो हमारे पास एक पूरा सर्कल बन जाएगा। सो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि शेप टाइप जो है वो लाइन, एलिप्स, रेक्टेंगल एटसेट्रा हो सकता है, और पॉइंट्स जो हैं वो भी जो भी होंगे वो ऑर्डर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर अगर हम और देखें तो अगर हम इसको अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स शेप्स, टाइप, विड्थ, हाइट एंड सेंटर पोजीशन, तो हम किसी भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट को उसकी टाइप के वो रेक्टेंगल है, लाइन है, एलिप्स है, सर्कल है, स्क्वायर है, क्या है, उससे कर सकते हैं। अब जब भी हम उससे करेंगे तो उसकी कोई ना कोई विड्थ होगी, अगर लाइन होगी तो उसकी विड्थ जो है वो होगी, हाइट नहीं होगी, ठीक है ना। तो लेकिन विड्थ और हाइट है, और फिर वो किस सेंटर पॉइंट पोजीशन से स्टार्ट ले रही है और किस जगह पे जा रही है। सो इस तरह से हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं कि शेप जो है वो टाइप है, वो शेप टाइप में आ गई, विड्थ हाइट है या और हाइट है वो दोनों कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसी तरह सेंटर पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये भी दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी दो वैल्यूज होंगी। और अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ लुकअप डिक्शनरी, अब हम चाहें तो यहाँ पे शेप की जो है ना मुख्तलिफ किस्म की डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी ग्राफिक वर्ल्ड में भी अगर आप कर रहे हैं या पावर पॉइंट में कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं फिगर्स, तो वो देखें वो पूरा शेप, सारी शेप्स आ जाती हैं कि आपने कौन से करना है, वो शेप जो है वो शेप की एक तरह से लुकअप डिक्शनरी है। सो हम उस लुकअप डिक्शनरी को जब इंटरनली ये होता है कि उसकी उस हर शेप को एक आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज आईडी 7 दे दी है, और वो लुकअप डिक्शनरी से उसकी शेप लेके आ जाएगा और खुद ब खुद फिर वो शेप बना देगा डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। डिफाइनिंग द स्टेट, इसी तरह द सिस्टम स्टेट कंटेन्स अ डिक्शनरी ऑफ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स एंड अ सेट ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, अब जो हमने पहले बात की कि हमने एक डायरेक्टरी या डिक्शनरी बना ली उसके अंदर शेप्स की, अब आपने जाके जब मेन्यू में गए हैं, ड्राइंग मेन्यू में गए हैं और आपने जो शेप सेलेक्ट की वो शेप जो है उसके मुताबिक जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी और उसकी उस डोमेन की जो शेप है वो उसके आ जाएगी सामने, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ, तो सिलेक्शन जो है उन जो आपके पास शेप्स हैं उनमें से ही होगी, और अगर आप कोई ऐसी शेप बनाना चाहते हैं जिसकी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फ्री हैंड ड्राइंग लेके और आप ड्रॉ करते हैं, बट यूजुअली आपको इसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो आप जैसे ही जिस की सिलेक्शन कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट की आईडी यहां पे आ जाती है और वो शेप बन जाती है, और इनिशियली देर आर नो शेप्स इन द डिक्शनरी, सो इनिशियली आपके पास कोई शेप नहीं होती, आपको फिर वो स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट जो है वो नल होती है और शेप्स भी उसके अंदर नल होती जाती हैं, और इवेंचुअली आप शेप्स उसमें ऐड करते रहते हैं और उनको आईडी देते रहते हैं और फिर वो आईडी उसकी डिक्शनरी में बनती जाती है और फिर उस लिहाज से वो शेप्स ड्रॉ की जा सकती हैं। डिफाइनिंग ऑपरेशंस में अगर हम चले जाएं तो स्टेट चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज टू कॉपीज ऑफ द स्टेट, अब स्टेट चेंज क्या होती है कि जैसे हमने कहा कि इनिशियल स्टेट में कुछ भी नहीं है तो वो बिफोर स्टेट आ गई और आपने जैसे ही कोई शेप बना ली तो वो आफ्टर स्टेट आ गई, तो हमारे पास दो कॉपीज ऑफ स्टेट आ गई, एक हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई और दूसरी चेंज स्टेट आ गई, ये कोई सी भी स्टेट हो सकती है, ठीक है ना। ये फर्ज करेंगे बिफोर जो है वो नल है और यहां पे आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, सो ये नल है और यहां पे रेक्टेंगल हो गया, तो एक बिफोर है और एक आफ्टर है, इसको याद रखना है।
द अनसेलेक्ट ऑपरेशन डी सेलेक्ट एनी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. फिर एक और होता है कि आपने गलती से आप सर्कल करने जा रहे हैं और आपको आपने एलिप्स दबा लिया, तो अब आप क्या करेंगे, उसको दोबारा अनसेलेक्ट कर देंगे. तो उसमें क्या होगा, पहले आपने एक सिलेक्शन की है, उसको जब आपने दोबारा क्लिक किया तो वो शेप खत्म हो जाएगी. इंटरफेस इश्यूज क्या बन जाते हैं, फ्रेमिंग प्रॉब्लम. अब फ्रेमिंग प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग एज स्टेज द सेम कैन बी कॉम्प्लिकेटेड विद स्टेट इन वेरियंट्स. फ्रेमिंग प्रॉब्लम्स में हम ये कहते हैं कि जो हमने काम कर ली है वो एक सारी चीजें एक जैसी रहें. अब अगर स्टेट के हमारे पास इनवेरिएंट्स हैं, यानी स्टेट की पोजीशन पहले कुछ थी, फिर बाद में कुछ हो गई, फिर कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई, इन सो ऑन सो फोर्थ, आपके पास मुख्तलिफ स्टेट्स अगर आ जाती हैं, तो फिर वहाँ पे ये एवरीथिंग एल्स स्टेज द सेम को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे अगर आपने पेंट वगैरह में ड्राइंग की हुई है तो वहाँ पे एक अंडू या वो इरेज करने की कमांड होती है. अब अगर आपने स्टेट के अनवेरिएंट्स नहीं रखे और आप इरेज करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप इरेज करेंगे तो अगर वो एक कंटिन्यूस एक्ट है तो वो सारा के सारा इरेज हो जाएगा और अंडू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने पेंट यूज़ किया हुआ है और पेंट में अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं और अगर आप उसको एक फ्री हैंड के साथ ड्रॉ कर लेंगे, तो फिर क्या होता है कि जब आप उसको अंडू करते हैं तो वो पूरा के पूरा अंडू हो जाता है. लेकिन अगर आप उसको स्टेट बाय स्टेट लेके जाएंगे और आप अंडू करेंगे तो वो फिर एक एक स्टेप पे अंडू होगा. सो वहाँ पे स्टेट की वेरिएंट्स को, और स्टेट क्या है कि आपने क्लिक किया, फिर उसको एक पॉइंट पे रबर बैंड की तरह उसको स्ट्रेच किया, फिर क्लिक किया, फिर रेस्ट किया, फिर दोबारा क्लिक किया. अगर आप ये रेस्ट और क्लिक और रेस्ट और क्लिक करके लेके जाएंगे तो ये स्टेट मुख्तलिफ हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने एक फ्री एंड में ले गए तो ये सिंगल स्टेट हो जाएगी. वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या आ जाती है, डू ऑपरेशंस डिफाइन एनी लीगल ट्रांजिशन, के वो जो हम अगर हमने कंसिस्टेंट रखना है, जैसे हमने बात की इंटरनली कि हम क्लिक क्लिक रेस्ट क्लिक 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 ड्रैग क्लिक रेस्ट, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये लीगल ट्रांजिशन कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारा रेस्ट नहीं हो रहा, एक खास किस्म का पॉज नहीं हो रहा, तो अब ये लीगल ट्रांजिशन नहीं रहेगी और इंटरनल इनकंसिस्टेंसी आपको फील हो जाएगी. इसी तरह एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के लिए हमें, हमारे पास जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि थ्योरम्स होते हैं टू प्रूव क्लियर फॉर रिफाइनमेंट नॉट सो फॉर रिक्वायरमेंट. सो जब हमने रिफाइनमेंट करनी होती है तो हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रख रहे होते हैं. सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वरना रिक्वायरमेंट में ये करना जरा मुश्किल हो जाता है, तो हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रख सकते हैं. सेपरेशन ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी एंड प्रेजेंटेशन इज नॉट एक्सप्लिसिट. इसी तरह सिस्टम की फंक्शनैलिटी को और उस सिस्टम को प्रेजेंट करने को हम एक तरह से एक्सप्लिसिटली सेपरेट नहीं कर सकते, वो बाज़ दफ़ा बिल्कुल अंदर एक ही तरह से डिफाइन हो रहा होता है. नेक्स्ट है एल्जेब्रिक नोटेशंस. हम एल्जेब्रा को यूज़ करते हैं. मॉडल बेस्ड नोटेशंस एम्फसाइज कंस्ट्रक्टिंग एन एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम स्टेट. यहाँ पे क्या करते हैं कि हम मॉडल बेस्ड नोटेशंस को हम यूज़ कर लेते हैं और ये एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन दिखा देता है सिस्टम स्टेट का. ऑपरेशंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स. सो ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस क्लिक के ऑपरेशन से क्या हो रहा है, ड्रैग के ऑपरेशन से क्या हो रहा है, तो हम सिस्टम कंपोनेंट में जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको डिफाइन कर रहे होते हैं. एल्जेब्राइक नोटेशंस प्रोवाइड ओनली इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम स्टेट. अब जो ये जो हैं नोटेशंस, ये जो हैं सिर्फ प्रोवाइड करती हैं कि अंदरूनी तौर पर सिस्टम स्टेट में क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर पाती कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है. ऑपरेशंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑपरेशंस. सो ये ऑपरेशंस एक दूसरे से कि रिलेशनशिप में बता रहे थे कि इस ऑपरेशन को करेंगे तो दूसरे ऑपरेशन पे क्या इम्पैक्ट लाएगा, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कह रहे हैं और उसकी डिटेल में नहीं जा रहा होता. अब हम दोबारा उसी ग्राफिक मॉडल पे चले जाते हैं जहां हम सर्कल या कोई भी इलिप्स बना रहे हैं. सो अब टाइप्स क्या है कि हमने स्टेट और उसका पॉइंट ले लिया कि कौन सी स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट हो गई. अब हमने पॉइंट क्या लिया है, मेक इलिप्स कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इनिशियल स्टेट से
दूसरी स्टेट पे जा रहा है, फिर अब हमने वहां पे यानी एक तरह से इलिप्स के लिए हमने एक सेंटर ले लिया, फिर मूव किया उस इलिप्स के लिए सेंटर रेडियस को एक तरह से ड्रैग किया, और फिर उस दोबारा मूव करने के बाद जब हमने क्लिक किया तो इलिप्स तैयार हो गया। अब अगर हमने उसको अनसेलेक्ट का बटन दबा दिया तो वो इलिप्स की सिलेक्शन स्टेट से ड्राइंग स्टेट से अनसेलेक्ट हो गया, और इसी तरह से डिलीट अगर करना है तो हमने उसको डिलीट पे सेलेक्ट किया और उसके बाद जब हमने डिलीट दबा दिया तो यानी स्टेट कोई सी भी स्टेट दूसरी स्टेट में ट्रांसलेट हो रही है। सो ये बता रहा है कि हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से हमने डिफाइन इलिप्स बना लिया, फिर इलिप्स को मूव कर लिया, फिर उसको अनसेलेक्ट भी कर लिया, इसी तरह उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस हैं, एक इलिप्स बनाने का है और एक इलिप्स पहले सेलेक्ट करने का है, फिर इलिप्स बनाने का है, और फिर मूव करने का है या अनसेलेक्ट करने का है या डिलीट करने का है। अब इसके एग्जीम तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल स्टेट दैट बिलोंग्स टू स्टेट पी belong to member to point, अगर delete कर रहा है तो make ellipse state और unselect state। इसी तरह unselect क्या कर रहा है कि unselect है और unselect कर रहा है, और move जो है वो किसी भी point से उसको unselect move करके और unselect कर रहा है। so हर उसको हमने एक mathematical form दे दी कि हम कैसे कर रहे हैं इस चीज को, डिलीट को हम इलिप्स को पे लेके जा रहे हैं, मेक कर रहे हैं, और फिर उसको अनसेलेक्ट यानी एक तरह से निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। सो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, अनसेलेक्ट सेलेक्ट पॉइंट को अनसेलेक्ट कर देते हैं ताकि अगर हमने डिलीट की ऑपरेशन को ख़त्म करना है तो डिलीट हो जाए। इसी तरह मूव की जो है वो हमने किसी भी पॉइंट पे लिया उसको, उसको मूव करके और फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचा के अनसेलेक्ट कर दिया ताकि वो मूवमेंट पक्की हो जाए। सो हम क्या करते हैं कि उसको क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं मूव में, और फिर उसके बाद उसको हटा देते हैं। इसी तरह डिलीट में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और हम एक तरह से डिलीट का बटन दबा देते हैं या कट कर देते हैं तो वो कट हो जाता है। सो ये इस एग्जीम में डिफाइन किया है। अब इश्यूज क्या है अलजेब्रिक नोटेशंस के, ease of use है, a different way of thinking than traditional programming. So programming का style से हट के आप थोड़ा सा mathematical form में सोचना पड़ता है। Internal consistency ये देखने की जरूरत है, are there any axiom which contradict others? हमने ये देखना है कि कोई axiom किसी दूसरी axiom को contradict तो नहीं कर रहा, अगर ये नहीं, अगर ये कर रहा होगा तो ये internal inconsistency हो जाएगी, वहां पे हमें उसको consistent बनाना होगा। External consistency पे हम बात करेंगे, with respect to executable system less clear। अब अगर हम पिछले वाले axiom की भी example ले लें तो वो execute करने के हिसाब से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहा है, बस लिखा हुआ है डिलीट मूव अनसेलेक्ट और फिर उसके बाद इक्वल टू अनसेलेक्ट, अब ये बिल्कुल नहीं समझा रहा कि कर क्या रहा है। विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स इज मेड एक्सप्लिसिट एंड ऑटोमेशन पॉसिबल, लेकिन ये जब हम इसकी ऑटोमेशन करेंगे तो ये उसको पॉसिबल कर देगा, रिक्वायरमेंट भी बता देगा, बट समझाने के लिए क्लियर नहीं है कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। अब कंप्लीटनेस में हमें यह चेक करना होता है कि इज एवरी ऑपरेशन कंप्लीटली डिफाइंड, अब पीछे क्या मूव की स्टेटमेंट या डिलीट की स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफाइंड हो गई, इसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम्स। अब इसके आगे जो है वो एक्सटेंडेड लॉजिक्स आ जाती है, मॉडल बेस्ड ऑन एलजेब्रिक नोटेशन मेक्स एक्सटेंडेड यूज ऑफ प्रोपोजिशनल एंड प्रिडिकेट लॉजिक। अब ये प्रोपोजिशन और प्रिडिकेट लॉजिक का जो है ना एक्सटेंसिव यूज करती है एलजेब्रिक नोटेशंस। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशन मेड ऑफ एटॉमिक टर्म्स एज पी क्यू आर कंपोज्ड विद कॉमा ग्रेटर देन लेस देन नॉट belongs to etc. तो ये सारी जो हैं propositions हैं कि हम कौन सी operations and or not कौन सी operations use कर रहे हैं, जबकि predicates ये होती है इसमें जो है proposition with variables,
px and quantified expressions for all belongs to, so ये जो expression use करती हैं ये predicates करती हैं कि ये क्या किस चीज से belong कर रहा है या ये सब पे apply हो रहा है या member of that होना चाहिए. so ये सारी notations जो algebra में आपने पढ़ी होंगी उनकी extensive use कर रहा होता है. These are not convenient for expressing time. अब ये जो time के लिए जो है इसमें हम कहीं पे भी express नहीं कर पाते. Responsibility and freedom को भी हम इसमें नहीं दिखा सकते. But these notations sometimes needed for HCI requirements. लेकिन HCI के लिए ये again algebraic notations अगर आपने उसमें model बना रहे हैं तो उसमें आपको ये use जरूर करनी पड़ेगी. Temporal logic यानी time के लिहाज से अगर हम कोई logic बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि time considered as succession of events, so time हमेशा succession of तो ये जो notation है square की सीधा ये always के लिए होता है. example दी है g funnier than g is always funnier than a. diamond shape भी कह देते हैं ये eventually है. अब G eventually understands A और अगर हम इस के साथ not की लगा देते हैं तो ये never पे आ जाता है. तो हम ये कह रहे हैं in South Carolina, California, it never rains. so ये इस तरह का आप कर सकते हैं. other bounded operation होता है P until Q weaker than always ज़ाहिर बात है until जो है वो weaker than होता है. P before Q stronger than eventually क्योंकि वो eventually नहीं है P हमेशा Q से पहले आना है. so ये temporal time के logics में हम इस्तेमाल करते हैं. explicit time क्या है these temporal logics do not explicitly mention time so some requirements cannot be expressed. अब अगेन ये बिल्कुल time को explicitly नहीं बताती हैं कि इतने second में या इतने उसमें हो जाएगा. so फिर अगेन कुछ ऐसी requirements जो कुछ some time के बाद होनी चाहिए वो express नहीं हो सकेंगी. active research area but not so much with HCI. अब ये अभी भी एक active research area है कि explicit time को कैसे define किया जाए लेकिन ये HCI में इसका ज़्यादा नहीं लिया जा रहा. gradual degradation more important than time critically. time से ज़्यादा gradual degradation जो है वो important हो जाती है. myth of infinitely fast machine. एक मिथ है कि इनफाइनाइटली फास्ट मशीन्स कैसे बिल्ड की जाएं. तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होती चली जाए टाइम के साथ साथ जो है वो डिग्रेड होता जाए सिस्टम रादर देन हम क्रिटिकली बताएं कि ये 5 सेकंड्स तक करना है. डियोंटिक लॉजिक्स क्या है फॉर एक्सप्रेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन बिटवीन सेपरेट एजेंट्स द ह्यूमन द ऑर्गेनाइजेशन द कंप्यूटर. परमिशन पर ऑब्लिगेशन को हम OBL लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ओनर्स में हमने कह दिया ओन्स जेन फाइल फ्रेड. पर परमिशन है जेन रिक्वेस्ट प्रिंट फ्रेड. परफॉर्म्स जेन रिक्वेस्ट प्रिंट फ्रेड. ऑब्लिगेशन ये है कि प्रिंट फाइल हो जाए. सो हमने कहा कि जेन ने एक फाइल फ्रेड को रीड किया फिर उसने उसकी परमिशन ली प्रिंट करने की. फिर जो है परमिशन ने कि प्रिंट के ऊपर ये आ गई लूप के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई कि उसने ये प्रिंट को करना ही करना है. और फिर वो उसकी LP3 का मतलब ये है कि उसका पोर्ट बता रहा है कि किस पोर्ट पे जाके ये प्रिंट करे. इश्यूज फॉर एक्सटेंडेड लॉजिक्स ये हैं कि सेफ्टी प्रॉपर्टीज जो हैं स्टिपुलेटिंग दैट बैड थिंग्स डू नॉट हैपन. ट्राई ये करनी चाहिए कि उसमें बहुत गलत चीजें ना हो. लाइवनेस ये है प्रॉपर्टीज ये है कि दैट गुड थिंग्स डू हैपन हम हमेशा अच्छी चीजों को उसमें करने दें. एक्सिक्यूटेबिलिटी वर्सेज एक्सप्रेसिवनेस में ये है कि इजी टू स्पेसिफाई इम्पॉसिबल सिचुएशन. इम्पॉसिबल सिचुएशन को ईजिली स्पेसिफाई किया जा सके. डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एक्सिक्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स. अब जैसे प्रिंट की कमांड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है
एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है. सेटल फॉर इवेंचुअल एग्जीक्यूटेबल, अब हम नहीं कहा कि वो प्रिंट हो जाएगी और LP3 पे प्रिंट हो जाएगी, हम नहीं, इस पर सेटल हो गए. ग्रुप इश्यूज एंड डियोंटिक्स, ऑब्लिगेशंस फॉर सिंगल यूजर सिस्टम हैव पर्सनल इम्पैक्ट, फॉर ग्रुप वेयर वी मस्ट कंसिडर इम्प्लीकेशन फॉर अदर यूजर. अब अगर LP3 अगर प्रिंट कर रहा है सिंगल यूजर के साथ, आपके प्रिंटर आपके ही कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है और वो ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रिंट कर देगा. लेकिन अगर एक नेटवर्क प्रिंटर है तो फिर हमें ये बताना होगा कि ये किस यूजर का ये प्रिंट आ रहा है, ताकि दूसरे यूजर का फर्क हो जाए. तो यूजली जो नेटवर्क प्रिंटर्स होते हैं उसमें पहला पेज जो होता है वो ये बताता है कि ये प्रिंट किसने, किस यूजर ने भेजा है, ताकि वो यूजर आके अपना प्रिंट ले जाए. अब इंटरेक्शन मॉडल में हम पाई मॉडल पे जाते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और अंडूज को देखते हैं. तो ये इंटरेक्शन मॉडल्स में जनरल कंप्यूटेशन मॉडल्स आर नॉट डिजाइंड विद यूजर इन माइंड. सो जितने भी हमने पीछे बात की कंप्यूटेशनल मॉडल, उसमें यूजर को माइंड में नहीं रखा गया. वी नीड मॉडल्स दैट सिट बिटवीन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर्मलिज्म और अंडरस्टैंडिंग ऑफ HCI. तो हमें वो मॉडल चाहिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फॉर्मलिज्म और हमारी HCI की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके दरमियान में कहीं आ जाए. सो फॉर्मल जो इसमें मॉडल है, द पाई मॉडल फॉर एक्सप्रेसिंग जनरल इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज टू सपोर्ट यूजेबिलिटी. सो ये पाई का एक मॉडल है जो हमारी एक्सप्रेस करता है जनरल इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज टू सपोर्ट यूजेबिलिटी. फिर इनफॉर्मल में इंटरेक्टिव आर्किटेक्चर है, MVC, PAC, ALV टू मोटिवेट सेपरेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ फंक्शनैलिटी एंड प्रेजेंटेशन. ये हमने थोड़ा सा चैप्टर 8 में देखा था. सेमी फॉर्मल में स्टेटस इवेंट एनालिसिस फॉर व्यूइंग अ स्लाइस ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम दैट स्पैन सेवरल लेयर्स. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे. पाई मॉडल क्या है, ये मिनिमल ब्लॉक बॉक्स मॉडल ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम है, फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन. सो ये फोकस करता है एक्सटर्नल, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर. कैसे, सीक्वेंस ऑफ कमांड के ऊपर चलता है, कमांड्स इंक्लूड कीबोर्ड, माउस मूवमेंट, माउस क्लिक, इनके ऊपर डिपेंड कर जाता है. कॉल द सेट्स ऑफ कमांड सी, कॉल द सीक्वेंस पी. सो पी इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ सी. पाई मॉडल सिस्टम रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, द इफेक्ट, ये ई आ जाता है फाइल पाई का. इफेक्ट कंपोज ऑफ एफिमरियल, डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट, प्रिंट आउट, चेंज फाइल. कॉल द सेट्स ऑफ इफेक्ट्स ई. सो ये कॉल्स सेट्स ऑफ इफेक्ट जो है उनको हमने ई कह दिया, और सीक्वेंस जो है उसको हमने पी कह दिया. और गिवन एनी हिस्ट्री ऑफ कमांड देर इज सम करंट इफेक्ट, कॉल द मैपिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन आई. सो ये पाई मॉडल बना रहा है. सो पी जो है वो कमांड्स हैं, ई जो है वो इफेक्ट है, और आई जो है वो इंटरप्रिटेशन है. सो इसको हम कह रहे हैं, और आ जो है उसका रिजल्ट है, और डी जो है वो डिस्प्ले है. सो वो चाहे प्रिंट आउट में आए चाहे वो सामने आ जाए. सो मोर फॉर्मली CEDR जो हमने पीछे डिफाइंड किया है, तो पी जो है वो सीक्वेंस हमने जैसे बात की है सी की है, जो भी कमांड्स दी गई हैं. आई जो है वो हम ये कह रहे हैं पी बिलोंग्स टू ई. डिस्प्ले जो है वो ई डी पे आ जाएगा, और अगर रिजल्ट हो रहा है तो वो ई जो है आर बन जाएगा. ऑल्टरनेटली वी कैन ड्राइव अ स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम द पाई. सो ऑल्टरनेटिवली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डू इट ई इन टू पी इज ई, जाहिर बात है कि ये इवेंट हो गया, और डू इट हमने LPQ को हमने LPQ कह दिया, और डू इट EPQ को हमने DOIT EPQ कह दिया. सो हमारे पास इस तरीके से हम इसको अपनी स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन में मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं. एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYSI WYG. What does this really mean, and how can we test product X to see if it satisfies the claim that it is WYSI WYG, limited scope general properties which support this WYSI WYG.
कौन सी स्कोप है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हाट यू कैन टेल अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डिस्प्ले, और प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि व्हाट यू कैन टेल अबाउट द फ्यूचर बिहेवियर, और उसकी बेस पर आप जो फ्यूचर बिहेवियर को कर सकते हैं, तो यही सिर्फ हम व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के अंदर हम कर सकते हैं. अब ऑब्जर्वेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे कहते हैं कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू will get at the printer, ये हमारा observe है, have got in the system, और ये system के अंदर मौजूद है या नहीं है, ये हमने हमारी observable है. Predictability is a special case of observability, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम ये predict कर रहे हैं कि शायद हमें ये मिलेगा. So what you get at the printer, अब ये है कि आप printer पे आपको क्या मिलेगा, ज़ाहिर बात है प्रिडिक्ट हम कह रहे हैं डी वर्सेस आर, और इसकी स्टेट कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट डिस्प्ले विच इज़ इक्वल टू रिजल्ट. ये स्पेसिफिकली अगर हम इसको इमेज के हवाले से देखें तो अब हमारे जो डिस्प्ले हो रही होती है वो आरजीबी इमेज हो रही होती है, जबकि जो प्रिंट हो रहा होता है वो सी वाई आरजी होता है, सी वाई बी जी होता है. सो उसमें हमारे पास जो बाज़ दफ़ा डिस्प्ले की इमेज होती है क्योंकि वो आर जी बी में प्रिंट नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से वो बाज़ दफ़ा आपने को जो नज़र आ रहा होता है वो आपको नहीं मिल रहा होता. सो इसीलिए बट रियली नॉट क्वाइट द फुल मीनिंग. इसी तरह स्ट्रॉन्गर व्हाट इज इन द स्टेट, अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो आपने ई को प्रेडिक्ट किया. अब यहाँ पे ई जो है ये नीचे आ गया, इसका मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट टू स्ट्रांग ओनली अलाउज ट्रिवियल सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज ऑलवेज विजिबल. सो ये उस वक्त लेके चलते हैं जब आपको हर चीज विजिबल है, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यही रिजल्ट होगा, यही डिस्प्ले होगा. सो अगर आपका टेक्स्ट वगैरह या आपका नॉर्मल डाटा है उसको तो आप स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यही प्रिंट होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है. सो आइडेंटिटी ऑन ई, सो इस ई की आइडेंटिटी होनी चाहिए, सिंगल आइडेंटिटी नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा. रिलैक्सिंग द प्रॉपर्टी, अगर हमको अब इसको रिलैक्स करना पड़ता है, ओ द थिंग्स यू कैन इनडायरेक्टली ऑब्जर्व इन द सिस्टम थ्रू स्क्रॉलिंग. सो ओ वो चीजें हैं जिसमें हम सिस्टम में इनडायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रॉल करते हुए कि क्या मिलेगा. तो प्रिडिक्ट द रिजल्ट, अब हम कह रहे हैं फॉर ऑल F belongs to OR, स्टेट जो है वो ये कह रहा है फॉर O ऑब्जर्व रिजल्ट, और द इफेक्ट G जो उस पर आ रहा है ओ आर स्टेट G ऑब्जर्व आई डी ई. सो हमने ऑब्जर्व कर लिया अब यहाँ पे आई डी ई को, और जब तक हमने ऑब्जर्व नहीं कर लिया हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहे. सो ये F इस तरह से आ रहा है कि ये डायरेक्टली आपको पता है कि जा रहा है, और O जो है ये थोड़ा सा G जो है यहाँ पे इसको हम ऑब्जर्व करने के बाद ई कर रहे हैं और फिर रिजल्ट पे जा रहा है. अब इसमें रीचेबिलिटी एंड अंडू क्या है, रीचेबिलिटी गेटिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचना जो है, यानी फॉर ऑल ए ई एक स्टेट है और ई हाई जो एपोस्ट्रोफी है इसको वो एक अलग है. ये जाहिर बात है इस जगह बिलोंग करता है फॉर ऑल पी, और ये तमाम पॉइंट को जो ई और पी के दरमियान जो पॉइंट्स हैं उनको लेके चलता है, और हम इस स्टेट से उस स्टेट पे आ जाते हैं. ये थोड़ा सा वीक है. अंडू जो है रीचेबिलिटी अप्लाइड बिटवीन करंट स्टेट एंड लास्ट स्टेट. सो अंडू जो हम नॉर्मली कमांड कर रहे होते हैं वो प्रीवियस स्टेट से और जो करंट स्टेट है उस यानी करंट स्टेट से प्रीवियस स्टेट तक पहुंचने की बात है. इम्पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर वेरी सिंपल सिस्टम विद एट मोस्ट टू स्टेट. सो यूजुअली अंडू हर जगह देना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. ये सिर्फ उन सिंपल सिस्टम में दिया जा सकता है जहां दो स्टेट हो, एक प्रीवियस स्टेट हो और एक करंट स्टेट हो, तो आप करंट स्टेट से प्रीवियस स्टेट्स पे चले जाते हैं. बेटर मॉड्यूल ऑफ अंडू ट्रीट इट एज अ स्पेशल कमांड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम. और अंडू के जो अच्छे मॉडल्स हैं वो इसको एक स्पेशल कमांड लेते हैं ताकि ये बार बार ना करें. बहुत सारे सिस्टम्स में कंट्रोल जेड की भी एक ऑप्शन दी हुई होती है. अब क्या होता है कि एक हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है पूरे अंडू करने के लिए, वो हिस्ट्री
की भी एक बफर की एक लिमिट आ जाती है. ये नहीं कि आपने शुरू से लेके आखिर तक लेके चले और उसके बाद अब आप अंडू करते चले जा रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे. जहां बफर हिस्ट्री खत्म हो जाएगी अंडू वहां पे खत्म हो जाता है. तो ये इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत होती है. इसी वजह से ये इम्पॉसिबल किया है कहा गया है. प्रूविंग सिंग अंडू, अब अंडू कैसे करता है, तो फॉर ऑल सी अंडू जो है वो नल के बराबर हो जाता है. ओनली फॉर सी दैट इज नॉट अंडू, यानी अब आप अंडू जो है वो आप एक स्टेट से चले दूसरे स्टेट पे गए तो आप दोबारा वापस उस स्टेट पे आ गए. इसी तरह आप इनिशियल स्टेट से चले और सेकंड स्टेट पे आ गए अंडू की तो अब आप इसके बराबर आ गए. सो जब आपने अंडू कर लिया तो एस ए और एस बी दोबारा बराबर हो गए क्योंकि आपका आप वापस एस नॉट पे आ गए हैं. सो इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझना बहुत मुश्किल होता है. हालांकि ये इनफैक्ट दो डिफरेंट स्टेट्स हैं लेकिन अंडू करने की वजह से अब ये इक्वल भी हो गई हैं. सो लेसन आपको ये लर्न करना है कि अंडू इज नो ऑर्डिनरी कमांड, अदर मेटा कमांड्स बैक फॉरवर्ड इन ब्राउजर्स हिस्ट्री विंडो. सो जो मेटा कमांड्स हैं कि आप बैक और फॉरवर्ड जैसे आपके वर्ड में आ जाता है, जैसे आपके पावर पॉइंट वगैरह में आ जाता है, ऐसे एरो बना हुआ होता है वो आपको फॉरवर्ड लेके जा रहा होता है और रिवर्स एरो बना हुआ होता है जो आपको बैकवर्ड लेके जा रहा होता है, लेकिन वो हिस्ट्री बहरहाल रख रहा होता है, एक खास हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं रख रहा होता. ब्राउजर में भी अगर आप देखें तो बैक जाने की कमांड है, वो बैक की कमांड भी एक खास लेवल तक जाती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है. आप प्रीवियस इनिशियल स्टेट पे बाज़ दफ़ा नहीं पहुंच पाते अगर आपने बहुत ज़्यादा एक के बाद एक अगर आपने ब्राउजिंग कर ली है एक ही ब्राउजर में. सो इश्यूज फॉर पाई प्रॉपर्टीज क्या है, इनसफिशियंट डिफाइन नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट प्रॉपर्टीज फॉर यूजबिलिटी. सो ये सिर्फ नेसेसिटी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको तो यूजबिलिटी की डिफाइन कर देती हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नहीं बताती. ये जेनरिक होती है, कैन बी अप्लाइड टू एनी सिस्टम है. प्रूफ ऑफ ऑब्लिगेशंस ये हैं फॉर सिस्टम डिफाइंड इन ऐसी फॉर्मलिज्म, ये सिर्फ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फॉर्मलिज्म में जो सिस्टम डिफाइंड हो जाते हैं उनकी ऑब्लिगेशंस को तो प्रूफ कर देती है, हर एक को नहीं कर पाती. स्केलिंग क्या है, हाउ टू प्रूव मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ लार्ज सिस्टम. अब अगर हम कितनी प्रॉपर्टीज एक लार्ज सिस्टम को की डिफाइन कर सकते हैं उसको अगर हम स्केल कर दें स्टेप बाय स्टेप दे दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी. स्कोप लिमिटिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. अब हम एक स्कोप डिफाइन कर दें कि ये जो इन प्रॉपर्टीज की तो एप्लीकेबिलिटी ये डिफाइन करेगी बाकियों की नहीं करेगी. इनसाइट गेन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन इज रियूजेबल. अगर आपको इनसाइट मिल जाता है एब्स्ट्रैक्शन करने की वजह से क्योंकि आप सारी प्रॉपर्टीज को नहीं कर रहे तो आपको कहीं कुछ प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. जब आप उनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो वो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ये आपके फायदे की चीज आ जाती है. स्टेटस इवेंट एनालिसिस सेमी फॉर्मल टेक्निक है, इंजीनियरिंग लेवल एनालिसिस होता है, बेस्ड ऑन नॉर्म फॉर्मल मॉडल्स होता है, यूजेस नाइफ साइकोलॉजी है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो है वो उसकी एग्जांपल है. स्टेटस जैसे एनालॉग वॉच फेस का जो है वो आपने एक स्टेटस है जो आप टाइम को देख रहे हैं और फिर उसमें एक इवेंट आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं. जो एनालॉगस वॉच हैं जो ऐसे क्लॉक चलती रहती हैं डिजिटल नहीं है उनमें आपके पास एक तो वॉच फेस है कि आप सिर्फ देख रहे हैं उसके डायल को देख रहे हैं और दूसरे उसमें अगर एक चीज़ है कि वो अलार्म को सेट कर सकते हैं, तीसरी कुछ में जैसे डेट भी आप सेट कर सकते हैं. तो ये तीन चीज़ें आ जाती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इवेंट में जो है स्टेटस चेंज इवेंट है, वो जाहिर बात है कि जो टाइम पास कर रहा है वो एक चीज़ है. एक्चुअल एंड प्रिसीव्ड इवेंट्स है. अब आप टाइम को सारा वक्त नहीं देख सकते, आप जाहिर बात है गैप के बाद आप एक काम करते हैं, जैसे मुझे ये देखना है कि लेक्चर कितना लंबा हो गया तो मैं एक टाइम के बाद क्लॉक को देखूंगा तो जाहिर बात है ये एक गैप हो जाएगा. पोलिंग क्या है, ग्लांस एट वॉच स्टेटस चेंज बिकम्स परसीव्ड इवेंट. तो पोलिंग ये है कि हम जब जितनी दफ़ा भी देख रहे हैं उतनी दफ़ा जो ग्लांस जो कर रहे हैं अब जो टाइम में जो चेंज है वो एक तरह से एक परसीव्ड इवेंट हो गया कि अच्छा अभी 5 मिनट गुजरे हैं, ओ अब 15 मिनट गुजर गए. सो ये एक तरह से परसीव्ड इवेंट बन गया है. ग्रैन्युलैरिटी क्या है,
कि हम बर्थडेज याद रखना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट अगर हम मिनट्स की खास तौर पर अगर आप जापान में हैं तो बाज़ दफ़ा सेकंड्स की टाइम को भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपने किसी को 3:02 पे बुलाया है तो उसने 3:02 पे आना है. वो अगर 3 बजे से घर दरवाजे पे आके खड़ा होगा तो वो कभी भी 3 बजे दरवाज़ा नहीं नॉक करेगा या बेल नहीं बजाएगा, वो 3:02 पर बेल बजाएगा या 15 सेकंड पहले बजाएगा ताकि उसको वो 15-20 सेकंड मिल जाएं अंदर आने के लिए. सो ये ग्रैनुलैरिटी आ जाती है. डिज़ाइन इम्प्लीकेशन क्या आती हैं इसमें? एक्चुअल परसीव्ड लैग. अब जो हमने एक्चुअल टाइम देखना है और परसीव्ड हम कर रहे होते हैं कि हमने यार इस टाइम पे देख लेना है, वो कभी कभी लैग हो जाता है. मुझे 1:30 में ख़त्म करना है और मैंने ये सोचा था कि मैं 1:20 पे इसको देखूंगा और फिर उसके बाद अपना तेज़ी से आखिरी स्लाइड्स कर लूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ 1:25 के बाद तो ये लैग आ गया और एप्लीकेशन का टाइम स्केल डिफरेंट हो गया. टू स्लो रिस्पॉन्स टू इवेंट टू लेट. अब अगर स्लो होगा तो आप किसी भी इवेंट को अगर आपने डेट 2 दिन के बाद देखी तो आपको आप बर्थडे भूल जाएंगे या आप टाइम भूल जाएंगे. इसमें इम्पॉर्टेंट होता है पावर प्लांट इमरजेंसी में आपको आप ये टू स्लो रिस्पॉन्स आपको फौरन करना होता है. टू फास्ट में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंटरप्ट मोर इमीडिएट टास्क. अगर आपने बार बार इसको करना है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इमीडिएट टास्क जो है ना उनको बार बार इंटरप्ट करना पड़ेगा. अब अगर स्टॉक लेवल लो हो रहा है तो आप अगर उसको बार बार देख रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को रोक देंगे और आप कहेंगे कि नहीं नहीं पहले स्टॉक खरीदो फिर मैं प्रोडक्शन करूंगा. सो इसको बहुत ये एक डायलेमा है कि टू स्लो और टू फास्ट के दरमियान हम कैसे रखें. नाइव साइकोलॉजी क्या कहती है? प्रिडिक्ट वेदर वेयर द यूजर इज लुकिंग. वो सबसे पहले ये बताती है कि यूजर कहाँ देख रहा है, माउस को अगर हम कहें कि कहाँ पोजीशन कर रहा है, इंसर्शन पॉइंट, इंटरमिटली व्हेन टाइपिंग. आपने जहाँ पे टाइप कर रहे हैं वहाँ पे आपने ये देखना है कि वो जहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है आप उसी पॉइंट पे मौजूद हैं या नहीं है. स्क्रीन इफ़ यू आर लकी. सो स्क्रीन पे अगर आ गया तो आपके पास है बहुत ही अच्छा हो जाएगा. इमीडिएट इवेंट्स में होता है ऑडिबल बेल है कि हम बेल बजा दें. व्हेन इन रूम एंड हियरिंग पेरिफेरल विजन्स मूवमेंट और लार्ज चेंज. वो हमें जो लार्ज चेंज हो रही है उसको उसकी या मूवमेंट हो रही है उसके बारे में बता दे. क्लोजर ये है लूज अटेंशंस. अगर हमने माउस पे टाइम लगा दिया या जैसे स्क्रीन को बार बार क्लिक नहीं किया तो स्क्रीन पावर सेविंग पे चला गया है तो ये हो जाएगा. और अगर कंकरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, इधर भी कुछ चल रहा है स्क्रीन पे उधर भी कुछ चल रहा है तो आप ऑब्वियसली आपकी अटेंशन लूज़ हो जाएगी और वो आप जो है आप ये नहीं बता सकते कि लोगों को कहाँ देखा जा रहा है. अब ईमेल एग्जांपल इन्होंने ईमेल इंटरफेस दिया. मेल हैज़ अराइव टाइमलाइन एट ईच लेवल मेल इज रिफ्रीड पोल्स. इतना ये पोलिंग टाइम मिल रहा है कि सी फाइल इज चेंज. फिर जब आप उसके बाद वो चेंज आइकॉन हो जाता है फिर स्क्रीन में ये जो है यूज़र को परसीव्ड इवेंट फॉर यूज़र. जैसे आपको जब मेल रिसीव होती है तो वो थोड़ी सी बोल्ड होती है, फिर आप जब उसको क्लिक करते हैं तो जितनी देर तक आप उसको एक ख़ास टाइम तक नहीं पढ़ते वो जो बोल्ड होता है वो ख़त्म नहीं होता. और वो आइकॉन उस लिए कह रहे हैं कि चेंज आइकॉन हो जाता है कि ये रीड हो गई है या जहाँ पर वो न्यू मेल का आइकॉन होता है वो न्यू मेल का आइकॉन ख़त्म हो जाता है. और ये यूज़र तो ये टाइम लैग्स दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि कितने आ जाते हैं. Perceived event in minutes not guaranteed. इसमें perceived event जो है minutes में guaranteed नहीं होते. Explicit examination होती है, audible well होती है. आपने time scales hours पे भी कर सकते हैं, days पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप seconds में करेंगे तो obviously interruption ज़्यादा होगी. Wants minutes guaranteed और आपको minutes में कुछ guaranteed चाहिए होती हैं. अब स्क्रीन बटन विजेट जो होते हैं स्क्रीन बटन ऑफन मिस बट एरर नॉट नोटेड. अब हम स्क्रीन बटन को ऑफन मिस कर जाते हैं लेकिन हम नॉर्मली उसको मिस नोटिस नहीं करते. अ कॉमन विजेट अ कॉमन एरर. अगर जो कॉमन तरीन विजेट होता है जो उस पर आइकॉन स्मॉल आइकॉन बना हुआ होता है वो हमेशा मिस हो जाता है. वाई क्लोजर ये है कि मिस्टेक लाइकली कंकरेंट एक्शन हो जाता है.
नॉट नोटिस, कभी कभी नोटिस नहीं होता, सिमेंटिक फीडबैक मिस हो जाती है. सोल्यूशन क्या है? विजिट फीडबैक फॉर एप्लीकेशन इवेंट. अगर हम फीडबैक दे दें उस विजिट के मिस होने का तो वो अच्छा हो जाएगा. और परसीव्ड इवेंट फॉर द यूजर, और अगर हम परसीव कर सकेंगे नेक्स्ट इवेंट यूजर का क्या है तो तब भी हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं कि वो आ जाए. लेकिन एक एक्सपर्ट की स्लिप वो जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है. अगर वो मिस कर जाए तो टेस्टिंग डजंट हेल्प. सो ये हिट और मिस के दरमियान जो है वो हम बता रहे हैं. डू डिलीट, हाईलाइट डिलीट कर देता है, डिप्रेस माउस बटन ओवर डिलीट, रिलीज माउस बटन करते हैं फिर वो रिमूव हाईलाइट करता है, चेंजेस इन टेक्स्ट आ जाती है, क्लोजर सो नो परसीव. सो जब चेंजेस इन टेक्स्ट हो जाती है तो ये क्लोजर हो जाता है, तो आपको कोई परसीव वो नहीं होता. तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और हाईलाइट करके हम उसको क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करके फिर हम डिलीट उस पर जा रहे हैं और डिलीट को दबा रहे हैं. जब हमने वहाँ पे माउस बटन परसीव किया तो वो हाईलाइट ख़त्म करेगा और टेक्स्ट में चेंजेस कर देगा. सो ये तरीका है. और मिस ये है कि आपने हाईलाइट डिलीट किया, डिप्रेस माउस ओवर डिलीट, और आपने डिलीट को दबाए बगैर आपने डिलीट को मिस कर दिया और हाईलाइट डिलीट तो ख़त्म हो गई. अब जब आपने उसकी क्योंकि आप उसको आपने सेलेक्ट किया और फिर दोबारा मूव कर लिया और वो अब हाईलाइट ख़त्म हो गई, और अब जब रिलीज़ करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा कि यार ये आपने डिलीट मिस कर दिया है. सो In summarize, formal models are the way to represent the semantic behavior of any system. These specifications can be used for communication between designer and implementer and for analysis. Model-based specification define the state of the system, the invariants which must always be true, and the operations that change the state, usually as a result of user actions. Algebraic specification describe the system in terms of relationship between operations. So हमने आज इन चीज़ों को cover किया formal methods में. mathematical है. मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश होगी कि इस chapter 17 को बड़े गौर से देखें. इसके जो एंड पे कुछ उन्होंने रीडिंग मटेरियल्स भी कहे हुए हैं, जेड नोटेशंस वगैरह के बारे में उनको पढ़ें. बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर्मल मेथड से, और बड़े अच्छी होती हैं किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.